नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, जब से नए आयुक्त अनिल पवार ने वसईवीरा और महानगर पालिका में कदम रखा है, तब से अवैध बांध काम करने वालों की शामत आई हुई है। वसईवीरा और महानगर पालिका के नए आयुक्त अनिल पवार और उनके मातहत अतिरिक्त आयुक्त ने इस समय भरपूर कार्रवाई बांध काम पर कर रहे हैं। इसी क्रम में आज 11 तारीख को वाली प्रभाग जी की सहायक आयुक्त नीलम निजाई मैडम, इंजीनियर तामुरे, अतिक्रमण अधिकारी विजय नड़गे, इन सब ने मिलकर आज एक बड़ी तोड़क कार्रवाई अंजाम दी। आपको बता दें कि राजेवली पाल नगर अंतर्गत 1000 स्क्वायर फुट का एक बांध काम तोड़ा गया, जिसके बाद में चिंचोटी सर्वे नंबर 85 पर दो गाले 2000 स्क्वायर फीट बांध काम वहाँ निष्कासित किया गया। उसके बाद में इसी क्रम में तोड़ो कार्यवाही में कामन की मोमाया डेयरी के पास औद्योगिक गालों का 8000 स्क्वायर फीट का बांध काम आज तोड़ा गया। और उसके बाद बात करें चिंचोटी वाली सर्वे नंबर 66 की गोलानी नाके के पास, तो वहाँ पर 3000 चौरस फुट का औद्योगिक गालों का बांध काम तोड़ा गया। वहीं 10,000 स्क्वायर फीट के प्लिंथ उसका बांध काम तोड़ा गया। और इस प्रकार ये काफ़ी बड़ी कुल मिलाकर और 24-25,000 स्क्वायर फुट का बांध काम आज तोड़ा गया। इतने बड़े पैमाने पर तोड़ा कार्यवाही वसईवीरा में जारी है और कहीं ना कहीं इस कार्यवाही से अवैध बांध काम करने वालों में हाहाकार मचा हुआ है। इसके आगे भी इसी तरह की कार्यवाही जारी रहने की उम्मीद हम लगा सकते हैं और अवैध बांध काम जो है उस पर अंकुश वसईवीरा में अब लगेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। आज की कार्यवाही आज पहली बार नहीं हुई, इस कुछ दिनों में लगातार कार्यवाही होती चली जा रही है। प्रभाग जी, प्रभाग एफ और प्रभाग सी सबसे ज़्यादा अनधिकृत बांध काम इन्हीं तीन प्रभाग में है और कार्यवाही भी अभी लगातार सामने आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, आज के नई अपडेट होते हैं। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।